आज की वीडियो में बताने वाली हूँ जितिया कब पहनना चाहिए और कब उतारना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजा ऑफिशियल। हाउ आर योर चैनल, कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं जितिया। जी हाँ, अभी जितिया आने वाला है तो जितिया को लेकर बहुत, अगर आप पहली बार माँ बनी है तो आप जितिया बनवाएंगी और जितिया कैसे पहनना चाहिए, किस नियम से पहनना चाहिए वो भी मैं बता रही हूँ। तो जितिया जो बनवा चुकी हैं वो सबसे पहले क्या करती हैं, उसकी तासीर को गर्म किया जाता है। जैसे मैं अपने ससुराल में, मेरे मायके में नहीं होता बट ससुराल में होता है, तो मैं उस तरह से आप लोग को बताती हूँ। तो बहुत लोग जो है जितिया खोल के रख देते हैं, मैं भी रख देती हूँ, और जब जितिया का समय आता है तो तीज के बाद से मैं जितिया पहन लेती हूँ। और पूर्णिमा, जो भादो का पूर्णिमा होता है, उस दिन बहुत लोग अपना जितिया उतार के रख देते हैं, कहते हैं कि उसकी जो तासीर है गर्म होने के बाद उसे ठंडा किया जाता है। और जब जितिया आता है तो जितिया को धागा जो होता है उसे चेंज किया जाता है, गुथवाया जाता है नया जितिया। मोती वही रहेगा लेकिन धागा उसमें चेंज किया जाता है। उसके बाद जो होता है वो जितिया का पूजा किया जाता है, जो झिंगी की पत्ता पे किया जाता है रख के, और उसमें कच्चा जो धागा मेन मार्केट में जो मिलता है जितिया का धागा, तो वो दोनों एक साथ रख के पूजा किया जाता है। पूजा करने के बाद जो वो जो जितिया होता है वो अपनी औलाद को सबसे पहले पहनाया जाता है, उसके बाद माँ पहनती है और वो पहने ही रहती हैं माँ। तो इस तरह से मेरे यहाँ होता है, जिस तरह से मैं करती हूँ उस तरह से मैंने आपको बताया कि जितिया किस विधि से पहनना चाहिए और किस विधि से उतारना चाहिए। तो आप लोग के लिए के यहाँ कैसे जितिया पहना जाता है और कैसे उतारा जाता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।